हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दाल फटेगी तुम्हारी, नहीं सामने तो डंडे पे टेल लगा के डाल दिया तुम्हारे पीछे। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा। हेलो 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 हेलो, किस तरह बात कर रहे भैया? बताइए, थोड़ा जब नींद से उठा हूं ना तो इसलिए वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको यार, उबासी। अच्छा बताइए और तो देखो बनाओ मेरे भाई। नहीं नहीं सच में यार, दोपहर का टाइम, आप दोपहर में कॉल कर रहे हो तो आदमी उठेगा नहीं। पेमेंट का क्या हुआ एक्चुअली? पेमेंट का पहले तो यार ये जो आप बोलते हो ना, पेमेंट का क्या हुआ तो आपसे कौन सा उधार लिया पहले ये बताओ। हमसे नहीं उधार लिया, बैंक से लिए। तो कौन से बैंक से, क्या नाम है, कुछ बताओगे या ऐसे ही बोल दोगे पेमेंट का क्या हुआ? IDFC। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। मिस्टर अर्जुन पूरा नाम? अच्छा मिस्टर अर्जुन सिंह। हाँ किसको कॉल लगाया आपने? किसको कॉल लगाया है आपने? अश्विनी को लगाया है। अश्विनी का आपसे पहले बात हुई थी मेरी? आपसे पहले बात हुई थी क्या मेरी? नहीं फर्स्ट टाइम बात हो रही है। अच्छा आप बैंकर तो, खैर बैंकर तो नहीं लग रहे, एजेंसी से बोल रहे हो? एजेंसी से बोल रहे हो? एजेंसी से बोल रहे हैं हम। बैंकर हो या बैंक से बोल रहे हो, एजेंसी से बोल रहे हो? बैंक से बात कर रहा हूँ, बैंक से। पक्का? पक्का। ठीक है, तो आपका ये पेमेंट हम IDFC का कराएंगे, कुछ एक डेढ़ महीना और रुक जाइए फिर कराते हैं। भाई कौन से बकेट में आ गए? अभी बकेट एक्स में। क्या बकेट एक्स में अभी? हाँ। अच्छा बकेट एक्स। सारी चीजें आपको पता है? नहीं मैं अभी इस लाइन का हूँ ना, कलेक्शन कर चुका हूँ। कलेक्शन कर रहे हैं? कलेक्शन कर चुका हूँ। अपने आदमी हो के इस तरह मतलब करोगे? अपना है क्या करूँ, अब देखो आपको पता है मैं अपना आदमी, लेकिन कॉल स्टॉप थोड़ी होंगे, कॉल से लगातार आते रहेंगे। ये तो एक तरीके से आपका वर्क है तो ये तो करना पड़ता है। करना पड़ता है तो ये भी आप सोचते हैं अगर किसी का पैसा लिया है तो देना भी चाहिए ना बड़े? नहीं वो तो देना है, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना इतने टाइम बाद दूंगा। क्या मिस्टर अर्जुन सेटलमेंट? नहीं सेटलमेंट तो NPA के बाद बोलते हैं, फिर एक डेढ़ महीने में कोई NPA थोड़ी हो जाएगा। हम बकेट एक्स में सेटलमेंट कर देते भैया। अरे वाह क्या कहने सही में, लेकिन चाहो खाली मैं कर दूंगा क्या बात, लेकिन कोई फायदा नहीं है, सिविल नहीं बेकार करना, मैं इसको पूरा ही दूंगा या जो भी इसका सिविल तो वैसे ही बेकार हो रही है। आपने अगर आपके काम किए हमारे स्टाफ का, हमारे हमारे आपने हमारा मतलब आप इसकी लाइन में काम किए हैं तो आपको पता होना चाहिए। अरे तो ये डेबिट में सिविल नहीं जाता है, अगर हम ऑनलाइन पे करते हैं, हमारी 4 तारीख की डेट होती है, हम आप पूरे महीने का टाइम लेके पेमेंट करते हैं तो हमारी सिविल वैसे भी जा रही है। अरे तो भाई साहब तो ठीक है, सिविल जा रही है, लेकिन एक बात नहीं, आपको सब कुछ पता है तो भी पता होना चाहिए ना भैया। मैं भी वही तो बता रहा हूँ, पहले मेरी तो सुन लो आप भाई साहब। मिस्टर अर्जुन सिंह वो मैं जब पेमेंट कर दूंगा हल्का लिंग करके ठीक हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट को स्टॉप हो जाएगा, उसको उठाने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आप बताएं, आपको कितने साल बैंक में जॉब किए हैं आप? मैंने कराया होंगे आप एजेंसी में किए होंगे? हाँ एजेंसी में किए है ना, एजेंसी में किए होंगे, कमीशन बेस पे काम किया होगा आप लोगों ने? नहीं मैं TL था। कुछ भी कहा आप एजेंसी में थे, क्या कमीशन ही बेच दिए होंगे, सैलरी बेस में दिए होंगे, जो भी 10-15 हजार उससे ज्यादा एजेंसी वाले देते नहीं है। आगे बताइए है ना, आगे बताइए। कितने महीने काम किए थे? मैंने महीने नहीं, मैंने बोला 6 साल। अरे 6 साल काम किया आपने? हाँ। तो आप क्यों कलेक्शन लाइन छोड़ दिए भाई? कलेक्शन लाइन में छोड़ दिया मैंने, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बस मुझे, मैंने सोचा अपना बिजनेस खोलेंगे तो मैंने फिर कलेक्शन लाइन छोड़ के अपना काम वगैरह करने की सोची। तो कलेक्शन लाइन में अगर आप कलेक्शन लाइन में होते तो आप कलेक्शन लाइन में तो आप अपनी एजेंसी खोलते, अब तक बिजनेस में का है एजेंसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। एजेंसी के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, कम था ना मेरे पास। एजेंसी खोलने में पैसा चाहिए? हाँ ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए पैसा ज्यादा बताओ? अब मेरे हिसाब से अलग है, आपके हिसाब से अलग है ना, हर कोई अपने अपने प्लानिंग से चलता है। आप तो लोग देते हैं एजेंसियों को पैसा भी कमाती है, सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, बाकी तो मैं फंस गया, आप हम लोन पे आ जाते हैं। हाँ हाँ
लोन कहाँ पे थे हम, लोन दे किधर चल रहा था यार, 2 महीने में हाँ, चल रहे थे पेमेंट की पहले। बात हो रही थी दोस्त। ये वो जो है ना, अपने लाइन का बंदा मिल जाता है ना तो फिर इधर उधर घूम जाते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें आ जाती हैं। नहीं बिल्कुल है, हम तो चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहा है हमेशा, आप हमारे काम आए, हमारा आपका काम हम आए, और तो क्या इसमें मेरे ये मित्र जिंदगी में मोहब्बत है। नहीं जिंदगी में फिर जिंदगी में तो पैसा बहुत कमाया लोगों ने, पैसा हम भी कमाएंगे पैसा आप भी कमाएंगे, लेकिन पैसा ले कुछ आए ना, कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, बस एक हाँ, मोहब्बत प्यार कमा मोहब्बत जाएंगे से रहो। जी। पता है ऊपर वाला हमें मतलब जितना भी हमारे पास जो भी टोटली चीजें, मान लो बॉडी हो गई हमारी या घर हो गया, कोई सी भी चीज हो गई ठीक है, वो सब ऊपर वाले की दी हुई है, उसमें से कुछ हमारा नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम अपनी मर्जी से देते हैं दूसरे को, वो है मोहब्बत, वो भावना। हाँ हाँ वो ये भाई, जो अपनी मर्जी से हम निछावर करेंगे और हमें अधिकार है पूरा पूरा देने का। मोहब्बत देने की बात है, लेकिन मोहब्बत बात नहीं पा रहे ब्रो। मोहब्बत देखो, नहीं वो तो मैंने आपको एक बता दिया जो मेरे मन में, जो रियलिटी है जो मेरे मन में था वो बता दिया आपको। लेकिन आप पेमेंट की बात कर रहे थे, हम पेमेंट से इधर उधर निकल जाते हैं मिस्टर अर्जुन, पेमेंट से इधर उधर निकल जाते हैं मिस्टर अर्जुन। हाँ पेमेंट मतलब 1 महीने नहीं हो पाएगी आपकी पूरी तरह से। अच्छा पेमेंट ये मान के चलिए आप 1-1.5 महीना लग जाएगा, मल्टीपल डेप्टो में फंसे मैं, अच्छा 1-1.5 महीने क्यों लग जाएगा ये बताइए आप। मल्टीपल डेप्टो में फंसा हुआ हूँ ना अभी मैं, थोड़ा सा लॉस चल रहा है बिजनेस में भी। अच्छा लॉस चल रहे हैं हाँ क्या, जॉब आप कहीं नहीं कर रहे हैं नहीं आप तो, बिजनेस बिजनेस क्या आपने किया है, बिजनेस भी नहीं चल रहा है। हाँ उसमें भी थोड़ा सा लॉस तो चल रहा है, और मल्टीपल लैपटॉप है तो वो देने पा नहीं रहा मैं। बिजनेस किस चीज का खोले आपने। बिजनेस मैंने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, मोबाइल एक्सेसरीज जो होते हैं ना उसका। उसमें तो पैसा अच्छा है मार्केटिंग में हमारे अरे साथ। जो है ना, जैसे हर दिन बरसात नहीं होती ना, ऐसे ही किसी दिन एकदम टॉप जाता है, किसी दिन भाई प्रॉफिट एक दिन में तुम 3,000 का कर लोगे, और किसी दिन भाई ऐसा रहेगा तुम एक दिन में 300 ही निकाल पाओगे, तो वो वाला हिसाब रहता है। क्या दुकान ज्यादा चलती नहीं है क्या। नहीं इस समय थोड़ा डाउन सा चल रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया, इस समय डाउन है। अच्छा अश्विनी के आगे क्या लगाते हैं। अश्विनी प्रधान, प्रधान अश्विनी के आगे मतलब प्रधान मतलब क्या, प्रधान में कौन कहा चाहते हैं। नहीं मैं देखो अश्विनी ना, अश्विनी प्रधान, अश्विनी कुमार प्रधान लगाता हूँ इसको। अच्छा बाकी एक कनौजिया भी चलता है मेरा। कनौजिया आप जो भी हैं। हाँ अच्छा, अब अश्विनी जी आप इतने प्यार से बोल ले रहे हो कि 1-1.5 महीने लग जाएगा, ठीक मानता हूँ आपके पास प्रॉब्लम है मैं माना ठीक, लेकिन सामने वाले को अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाले को जवाब क्या दें। आप कह रहे हो कि मेरा शेड्यूल भी सही हो जाएगा, हम 6 साल नौकरी भी की है भाई साहब। मैं आप ना, आपने जो है ना मेरे सवाल मतलब जो मैंने आपको जवाब दिया ना, आपने उसको घुमा फिरा के सुन लिया, आपने उसको गलत सुन लिया। पहले आप मुझे जो है ना अपने डाउट बताओ, मैं उनको क्लियर करता हूँ। कैसे भैया आप अपने मुझे डाउट बताओ, मैं उनको क्लियर करता हूँ। डाउट यही है दोस्त कि आप पेमेंट करा दीजिए दोस्त, और कैसी। नहीं मैंने जो है ना जैसा आपसे बोला था ना कि मेरी जॉब जॉब तो मेरी चली गई थी, मैंने बिजनेस चालू कर लिया था ना, जॉब छोड़ दी थी ठीक है। आपको जब जॉब करना नहीं था, बिजनेस आ गए, बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रहा है। हाँ और बिजनेस बिजनेस आपने ऐसी चीजें खोली ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जो है ना मेरा आपको मैं पूरा बता देता हूँ टोटली। फिर मेरा जो है ना इस समय मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है। मल्टीपल का मतलब कम से कम आप मानते चलो 10 से लेकर मानते चलो 11 लोन है, 10 से 11 मान लो। एक दो लोन तो वैसे है ना पर्सनली, उनको छोड़ दो। अच्छी बात बोले आपको। हाँ आपके पास पैसा भी नहीं है, है ना। हाँ आप इतने तेवर से भी बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं मतलब इतने तेवर से, मतलब कि आप इतने भावुक होकर बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास, जवाब दे दिया आपने। नहीं वो तो मैंने जो देखो रियलिटी थी वो आपको बताया। देखो आप अपनी लाइन के बंदे हो,
अब मैं आपसे बोल देता हाँ सर कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देता है, या मैं सुन तो लो पहले मेरी पूरी बात सुन लो क्या बताइए, फिर मैं एकदम आप जैसे कॉल करो आप बोलोगे हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ फिर मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ तो वो अच्छा नहीं लगता, मैं एक बार में क्लियर कर दूंगा बात ताकि आप भी परेशान ना हो और मैं भी ना हूँ, तो मैंने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से, बाकी आपको अगर डाउट है कुछ पूछना है तो भाई पूछ लीजिए, आपको अगर संतुष्टि नहीं मिली तो। संतुष्टि आप अपने अपने आदमी भी कर रहे हैं और अपने आदमी का काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपना आदमी कैसे हो जाएगा जो? मेरे भाई मैं कर जरूर देता लेकिन मैं भी तो प्रॉब्लम है ना, वो भी तो देखो। अच्छा इतनी तो व्यवहार जिंदगी में आपने कमाया हो कोई आपको 10,000 रुपये दे दे क्या फायदा, मैं आपको पैसे मान लो दे देता हूँ ठीक है, है? मैं आपको पैसे दे देता हूँ मान लो, मैंने आपको बताया ना मल्टीपल लोन है मेरे ऊपर, वो बात छोड़िए वो आपके पास कितने चल रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, वो हमारी आपकी जो चल रही है मैं उसके उसके लिए बात हाँ, तो यही तो वाली बात है आप समझ ही नहीं रहे, भाई तो कह रहे हो लेकिन आप भाई की बात ही नहीं समझ रहे, भाई की बात हम समझ रहे हैं, भाई की जब बात समझेंगे तब भाई हमारा अगर हमको सपोर्ट करेगा तभी हम भाई को सपोर्ट कर पाएंगे तब, हाँ तो वही तो वाली बात है ना, पहली बात समझ नहीं पा रहे मेरी बात है, अगर हमारा भाई अगर मैलाक निकल गया और भाई अगर हमारी बात नहीं माना तो भाई का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, समझे भाई आप जो चाह रहे हो ना आप ये चाह रहे हो कि भाई मुझे सपोर्ट मिल जाए, आप मेरी बात समझने नहीं जा रहे, वो सपोर्ट चाह रहे हो और वैसा होना थोड़ा मुश्किल है, आज आपका टाइम है बोले नहीं पेमेंट कराएंगे, वैसे सिविल तो ऐसे भी खराब हो रही है पूरी खराब कर दीजिए सही नहीं होगी आप ही कह रहे थे नहीं, वैसे आप देखो आप मुझे अपनी तरफ से मतलब आपको पता ही नहीं, देखो हर किसी को अपनी अपनी नॉलेज होती है काम के हिसाब से, आपने 6 साल काम किए लेकिन 6 साल में नॉलेज नहीं ले पाया, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ ना, आप जो मुझे नॉलेज दे रहे हो ना वो मेरी नॉलेज से कुछ ज्यादा परे जा रही है और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि सर आप गलत नॉलेज कैसे दे रहे हो, मार्केट में घूमा होगा लेकिन मार्केट का भी अनुभव नहीं ले पाए, आप शादी अनमेरिड है कि मैरिड है? मैं मैरिड हूँ लेकिन जो आप मुझे बताना चाह रहे हो ना वो एकदम मेरी नॉलेज से भी बाहर है, मुझे पता नहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, अपनी भी पैसा किसी तरह से करवा दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट से ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है, नहीं रिक्वेस्ट वैसे तो आपको भी पता है कि अगर जैसे कि रिकवरी में गाली गलौज भी होती है और वैसे तो काम बनने का नहीं है, हमारा काम है गाली गलौज, हमारी जवान गंदी नहीं करनी है आपके लिए, और आप गाली गलौज करने से कोई मतलब हमारा हाल नहीं निकलेगा ठीक है, और हम सामने हम फोन पे नहीं भौंकने वाले इंसान है, हम सामने भौंकने वाले इंसान है बड़े भाई, अच्छा सामने करोगे नहीं, हम नौकरी करते हैं तो नौकरी की तरह से बोलेंगे ठीक है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सब गुंडा गर्दी दिखा रहे हैं ठीक है, उस चीजों पे हम नहीं कह रहे हैं, आप उस चीजों पर ले जाना चाहे नौकरी कर रहे हैं नौकरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, हमारा आपको पर्सनली मामला नहीं है कि हम आपसे आपसे कह देंगे फोन पे कुछ और बातें सामने कुछ और बातें, तो इस तरह के आदमी नहीं है क्या, ये भी है भाई जब एग्जीक्यूटिव बन के आओ मतलब घर पे आओगे फील्ड विजिट करने यहाँ पे तो भाई वो तो कैसे मतलब नौकरी है भाई, तुम्हें भी ऊपर सीनियर का जवाब देना है, आप कहते हो हम उस तरह का आदमी नहीं है कि आप आपको बहुत से लोगों ने गाली गलौज बरती होगी, हम उस तरह का आदमी नहीं है कि आप हमको भड़काओगे तो हम गाली गलौज बरती, नहीं देखो भाई मिस्टर अर्जुन आप आप हमको भाई भी बोलो अगर हम भाई को गाली दे तो समझे तो नहीं है, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है मिस्टर अर्जुन लेकिन आप बताओ कलेक्शन में सॉरी कलेक्शन में रिकवरी में गाली गलौज देती है ना, गाली गलौज हम कभी नहीं किया दोस्त, नहीं आप नहीं करे वैसे होती है नहीं है बताओ, गलत तो नहीं बोला मैं, गाली गलौज होती है रिकवरी में, जो बैंकर होगा जो समझदार व्यक्ति होगा नहीं, बैंकर तो गाली गलौज नहीं करेगा, बैंकर गाली गलौज नहीं करेगा, बाकी अगर मैंने करी तो वो ऊपर से जो फीडबैक देगा वो ये देगा कि ये अब्यूज कर रहा है बंदा और ये है ही है, समझदार व्यक्ति कभी किसी के सामने नहीं गाली देगा और नहीं देना चाहिए, हम आपको गाली देंगे आप हमको गाली देंगे उससे हल नहीं निकलेंगे, ये दुनिया मोहब्बत की है, हाँ ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज है हमारे पास जो दूसरे को हम दे सकते हैं वो है अपनी मोहब्बत, तो मोहब्बत आप दे ही नहीं पा रहे दोस्त,
अरे मैं परेशान हूँ ना, वरना मैं जरूर देखा। मैं तो घर पे बुला के चाय नाश्ता करवाता आपको। चाय नाश्ता नहीं चाहिए हमें, चाय नाश्ता नहीं चाहिए, आपने कह दिया समझ लीजिए हमने कर लिया। और हमने चाहिए पैसा दो। अगर जिंदगी में अगर आप 10,000 रुपए नहीं कमा पाए, आपने व्यवहार से नहीं ला पाए जिंदगी में, आपने व्यवहार नहीं कमा पाए बड़े भाई। और ये अगर आपका भविष्य में सिविल चलाना है तो पैसा जमा करते रहिएगा और कहीं से भी मेहनत करके जमा करिए। हमारा तो मानना यही है, आप मुझसे चाहे छोटे भाई हो या चाहे बड़े भाई हो, ठीक, तो मानना यही है दोस्त कि अपना भविष्य मत खराब करिए और आगे का फ्यूचर देख के अपना काम करिए। लाइफ अभी जिंदगी बहुत जीना है, ठीक है, उसी हिसाब करिए। आज आप 10,000 तो अपने दोस्त से नहीं कर पा रहे, कल के अगर ये 2-2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, कोई नहीं दे पाएगा। बैंक के अगर बैंक की नजर में आप अच्छे रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आपको मिला है, आप अच्छे थे बैंक की नजर में, अब बैंक की नजर में आप खराब हो गए। नहीं वो तो देखो ऐसा है, जैसे बंदा पैसे नहीं देता ना, अब वो कितना भी पुराना कस्टमर हो वो डिफॉल्टर ही करार होता है। और हमारे आप स्टाफ के आदमी निकले तो हमारा स्टाफ का आदमी अगर इस तरह करने लगेगा तो दुनिया से काम नहीं चल पाएगा। तो आप क्या करो, मैं भी बता क्या सोच के बैठा हूँ। चलो आप इतना बोल ही रहे हो तो अपनी प्लानिंग बता देता हूँ। देखिए आपने बताया अच्छा लगा, आप तो खुद भी ज्ञान पता हो। अगर हम कल के नौकरी छोड़ देंगे, अगर हम कल के हमको लोन मिला और हमने लोन ले लिया, हमें सब चीज पता है, तो क्या सामने वाले का पैसा मार देंगे? नहीं मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, अब क्या दिक्कत है। चलो आप इतना बोले रहे हो तो पूरी बता देता हूँ साहब। बताइए। नहीं ना, मैंने ले तो लिया, मतलब ऐसा मैंने डिफॉल्ट करने का मन से थोड़ी लिया था यार। तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो स्ट्रेटजी। मैंने पैसे ले लिया, मैंने आपको डिफॉल्ट बोला ही नहीं, आप अपने मन में सोच रहे हो भाई। मैं आप बोल रहे ना पैसा दूसरे का देना है, देखो जैसे मैंने ले लिया पैसा। मैं तो भाई का सपोर्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरा भाई समझ ही नहीं रहा है, मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, मेरे भाई छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हो बता देता हूँ। बताओ भाई। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया, अब मेरे ऊपर हो गया मल्टीपल लोन। जब मल्टीपल लोन हो गया, अब मेरी जो है ना देने वाली कंडीशन नहीं रही, तो मैं सोच रहा हूँ उसको ना सेटलमेंट करूंगा सबको राइट ऑफ के बाद। अच्छा ये दिक्कत है, तो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। हाँ राइट ऑफ के बाद जो वेवर मिलेगा वो राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। अच्छा अबे यार अभी सेटलमेंट करो, हम एक में सेटलमेंट दे देंगे दोस्त, क्या बात कर रहे हो यार। एक तो यार भूल गया थोड़ा, शॉर्ट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मुझे कौन से बैंक का बताया था? वो सुनो, वो जो काम नहीं कर पाते वही लोग बोलते हैं एनपीए में जाने दो तब सेटलमेंट करेंगे। अच्छा कौन एनपीए में काम कर देते हैं यार बड़े भाई, बिना एनपीए के बिना सेटलमेंट ऐसे ले लेते हो। बताइए कौन सा बैंक बोला था आपने, कौन से बैंक से बोल लो? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC का तो देखो सर, क्या मतलब वेवर क्या दिलवा दोगे अपनी तरफ से? वेवर क्या दिलवा दोगे? आपके आदमी है और बताओ, मैं आप जो बोलोगे दे देंगे। वैसे तो देखो मेरे पास, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे पास अभी एक सेटलमेंट लेटर है। असली बताओ, अपने फ्यूचर क्यों खराब करना चाह रहे हो लाइफ टाइम के लिए? यूँ क्योंकि जो है ना मेरे ऊपर जितना लोन है ना उतना मैं दे नहीं पाऊंगा, बहुत लोन है मेरे ऊपर। क्या दिया इतना पैसा? ये शेयर मार्केट में लगा दिया है? शेयर मार्केट से तो बहुत दूर है, रोटेड वगैरह में चला गया और कुछ वैसे भी मतलब खर्चे में आ गया। और रोटेड में तो पता ही है बंदा कंगाल हो जाता है, और मिनिमम भर भर के तो वैसे ही कंगाल होता है। मिनिमम में तो आप ये मान लो 1.5 लाख अगर ले आए तो अगर 2 भी दे दोगे ना तो भी देना पड़ेगा, इतना हो जाता है। आप मैरिड है ना? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके भी? मेरा नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, अभी अभी शादी हुई है मेरी। अभी नहीं शादी है? हाँ। अभी तो आप अभी तो उसके उसके जो आने वाला जीवन है उसका आपके और उसके लिए बारे में सोचिए। अभी से सोच के चलोगे तभी अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कर पाओगे दोस्त। अगर आप ही इस तरह बोलोगे, हम तो सेटलमेंट करने के लिए तैयार, हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा कंपनी से बोल अपने बॉस को कन्विंस करेंगे, सर हमारा करवा दीजिए, बस हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सब कुछ है भाई साहब। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप वेवर क्या दोगे? वैसे जो मुझे अभी जो लेटर मिला था ना, मैं ये नहीं बोलूंगा तो नहीं चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं 50% वेवर दे दूंगा। बताओ कैसी बात कर रहे हो मिस्टर अर्जुन, जो आपको पता है जो उसका वेवर जाता है ना IDFC का, हाँ वो 10-10, 12-12 पे भी चले जाता है। और अभी मेरे पास पता है, देखो मजाक नहीं करूंगा, बिल्कुल सीरियस बोलूंगा, ऐसे नहीं है मैं आपके हवा में तीर मार रहा हूँ।
बोल बोल भाई बोल। अभी मेरे पास तो सेटलमेंट लेटर आया मात्र 7% का IDFC का, चाहो तो मैं दे भी सकता हूँ। दूसरी बात मैं ये नहीं कह रहा मुझे 7 ही चाहिए, वो अभी आया था मार्च में। नहीं पहले आप पूरी बात करके सुन लो, वो आया था फाइनेंशियल ईयर एंड में, मतलब एंड होने से पहले मार्च में मेरे पास, जो कि 7% का IDFC बैंक का। मैं ये नहीं कह रहा 7 दो मुझे, कम से कम यार 10-12-15 तो मिलना चाहिए। सात परसेंट का आया है, मैं 10-12 की डिमांड करता हूँ। 7% का सेटलमेंट लेटर आया है, लेकिन मैं 10-12 की डिमांड करता हूँ। 10-12% में आपका लोन क्लोज हो गया? नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे 10-12% मांग रहा हूँ। 10-12% का लेटर कम से कम। 10% मतलब 12% आप लोन क्लोज करना चाह रहे हैं, 90% आपको मतलब कंपनी आपको 80% दे दे, आप मतलब आप 20% आप देना चाह रहे हैं। जो कि लेटर आते हैं IDFC के, अब आपसे क्या छुपा रहे हो, ये बात नहीं है कि आपको ना पता हो, आपको पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हो, क्योंकि अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी बात सुनना। हाँ क्योंकि अभी नहीं, फिर मैं एक अपनी बात बोल देता हूँ, फिर आपसे सुन लेंगे। क्योंकि अभी जिस स्थिति में केस है ना, उस स्थिति में किसी भी कीमत पर इतना वेपन नहीं आएगा, राइट ऑफ के बाद आएगा, विंटेज वन के बाद इतना वेपन। बाकी आप बताइए, मेरी बात सुनिए। पहले क्या था, आपने बोला हम लोगों ने 70% कम कस्टमर को दिया, आपने बात जो कह रहे सही है, 70% तक दिया, 30% से कस्टमर से लिया, ठीक। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गए हैं, आप जिंदगी भर आपने हमारी बैंक का लोन ना भुगतान करिए, और 50% से ज्यादा 60% मान लो, ज्यादा 60% उससे ज्यादा व्यवहार अब नहीं मिल पाएगा। आप लोन क्लोज कराओ दो, जमा आपका ये केस विंटेज वन में जाए, विंटेज टू में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत हमेशा एक इंसान को एक भूख होती है दोस्त, उसमें भूखे ना बनो कि आपका पेट फट जाए दोस्त। नहीं मैं देखो भूखा तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सिविल खराब करूंगा, सेटल करूंगा, तो मैं कम से कम मैं निपटाऊंगा। बाकी आप जो कह रहे हो ना, मैं अभी अभी पता करता हूँ, और मैनेजर वगैरह से पता करता हूँ, नए नियम निकले हैं या बैंक में, बहुत मैनेजर 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 होगा। सुन मेरे भाई, आपका कोई मैनेजर जानने वाला हो, ठीक, किसी बैंक का हो, मेरे से बात करा देना एक बार लाइन पे लेके। आपके वजह से पोस्ट है भाई साहब, अब हमारी आपको हम क्या बताएं, हम आपकी पोस्ट पे हैं। जब आपको अपने सीनियर, आपने इतने दिन से छह साल से आपने कलेक्शन किया, और 6 साल में जो तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत से मैनेजर आपके कॉन्टेक्ट में होंगे। नहीं वही तो पूछ रहा हूँ, आप मतलब अपने बड़े भाई हो यार, इसलिए पोस्ट पूछ रहा हूँ, क्या पोस्ट है आपकी? बड़े भाई आप, इसमें कोई बात ही नहीं है दोस्त, बड़े भाई का मतलब क्या होता है, क्या पेमेंट होता है तब। मेरे भाई पता है आप ये क्या बोलने जा रहे हो, जी आप ये बोलने जा रहे हो मैं तेरा तभी हूँ तू जब पेमेंट कराएगा, ये साफ साफ मतलब निकलता है इसका। लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, आपके ऊपर भी प्रेशर है। बाकी जो भी आपके पोस्ट हो मैं पता करता हूँ मैनेजर वगैरह सब। मतलब आप पूरी तरह से पैसा नहीं जमा करोगे? मैं अभी तो नहीं करूंगा मैं इसको। अच्छा मैंने आपको देखो ज्यादा ना घुमा दो, सीधे सीधे बता दिया, खेल खत्म। अरे ज्यादा क्या घुमाओगे यार, पैसा ले लिए, पैसा भी नहीं दोगे। ज्यादा क्या, मैं कह देता यार इतने दिन बाद दूंगा, इतने दिन बाद दूंगा, फालतू का परेशान देते, मैंने साफ साफ बता दिया। कितने बैंक से लोन लिए, कितना फ्रॉड किए हो आपने? मैंने फ्रॉड करना कौन चाहता था, करना पड़ रहा है, हो गया ना बहुत सारा रोटेड वगैरह। वैसे तो आप लोग कॉल करके इतना परेशान करते हो, मेरे ऊपर है कम से कम 12-4 NBFC 8 बैंक, इतना लोन है। कितना कितने लाख का लोन लिया था ये? कुछ 45 से 50 होगा। 50 लाख? हाँ बस इतने फट गई है आपकी? अरे यार इतने में ना अगर प्लानिंग करके करता तो 1.5-2 करोड़ लेता, इतना थोड़ी छोटे मोटे में कैसे निपट जाऊंगा। 1.5 करोड़ के आप चौका थे? नहीं आराम से 1.5-2 करोड़ निकाल लेता बहुत प्यार से। नहीं 1.5 करोड़ की हैसियत पैदा की आपने जिंदगी में ये, और क्या। अरे जानते क्या हो अभी आप मेरे बारे में, आप जानते क्या हो अभी मेरे बारे में, आराम से 1.5, लेकिन मैंने डिफॉल्ट करने के मन से नहीं लिया ना, नहीं, 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 मैं जानना चाहता हूँ ना, मुझे जनवाओ तभी तो मैं
जानूंगा कि हमारा भाई कैसा है। ये तो तभी जान पाओगे जब सामना होगा, क्योंकि अगर मैं लेता इस हिसाब से कि मुझे डिफॉल्ट करना है तो सही बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो 2.5 लाख का लोन है, 2.5 लाख का लोन है, वो भी क्रेडिट कार्ड में ले लियो, सिविल अच्छा था तो लोन मिल गया। 2.5 लाख की हैसियत होनी चाहिए, 2.5 करोड़ की हैसियत होनी चाहिए दोस्त। वो तो 2.5 करोड़ की आपकी हैसियत ही नहीं थी। आप बता रहे हो हम जान हमारे बारे में जानोगे, ऐसी बातें मत बोलो कि हम आपको कुछ बोले, आप हमसे बोलो बहसबाजी हो। यार बहसबाजी तो देखो होने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि यार तुम जो शब्द यूज कर रहे हो ना, मेरा भी पारा हाई जा रहा है। पारा क्या, तुम इसी तरह बात ही कर रहे हो यार? क्योंकि यार मैंने देखो बड़े प्यार प्यार से निपटाने की कोशिश की, लेकिन तुम चाह रहे हो कि सामने वाला यार कुछ ना कुछ बोल दे। तुम बता रहे हो कि हमारे पास 2.5 करोड़ के हैसियत होती, 2.5 करोड़ पेल देते हैं। अरे तुम्हारी 2.5 करोड़ नहीं, तुम 200 लाख रुपए ने लिए होगे। पहली बात तो जो है ना 2.5 करोड़ की, यार पहली बात तुम्हारे जो है ना सुनने में जो है ना दिक्कत है, कान में सरसों का तेल गुनगुना करके। मैंने ये बोला अगर मैं डिफॉल्ट करने की इच्छा से लेता, मन से लेता, तो कम से कम आराम से 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का लोन उठाता, वो भी जिंदगी में मिलता है यार। अरे कैसी बातें कर दी, मैं बैठा हूँ ना। अरे तुम कुछ नहीं कर, बात बैठे नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो। क्या क्या, क्या दिखाना पड़ता, क्या दिखाना पड़ता तुम्हें, क्या दिखाना पड़ता तुम्हें, बिजनेस दिखाना पड़ता ना। पता नहीं है बिजनेस दिखाना पड़ता नहीं है अभी। आपने खाली जो जो एक लौंडाई होती है वो आपके अंदर लौंडाई भरी हुई है, जिसको बोलते हैं ठीक। देखो ऐसा ऐसे तो फोन पे से तो देखो कुछ होगा नहीं, फोन पे से यहाँ से तुम बोल दो, मैं बोल दूंगा कुछ पता। एक दूसरे के बारे में कद्दू पता नहीं चलेगा यार ऐसे, क्या एक दूसरे के बारे में कद्दू पता नहीं चलेगा ऐसे। भाई सही से बोल रहे हैं तो सही से बोल लो बड़े भाई। बड़े भाई अभी तो कुछ बदतमीजी कर ही कहा है, खराब करो अगर लैंग्वेज हमारी खराब हो जाएगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज यार अगर मैंने खराब कर दी तो आप कान से फोन भेजेगा थोड़ी देर में। हाँ भाई जो करना हो भी कर लो, क्या बताए फिर यार, फोन तो भाग लो तो, सामने गाल फटेगी तुम्हारी। नहीं सामने तो डंडे पे तेल लगा के डाल दे तुम्हारे पीछे। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।